हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक टू जित्ता ब्लॉग। हम अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए तरह तरह की चीजें अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये एक्सपेरिमेंट हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि ये हमारे स्किन को सूट नहीं करता, जिससे हमारे स्किन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिसे हमें बाय मिस्टेक भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी चीजें जिसे आप बिल्कुल भी अपने फेस पे अप्लाई ना करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नींबू के बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं कि नींबू के छिलकों को लेकर डायरेक्ट अपने फेस पे मसाज करने लगते हैं, या सिर्फ उसका जूस लेकर अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है। इससे आपको स्किन एलर्जी, इचिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप इसे धूप में लगा के डायरेक्ट चले जाएंगे तो आपको प्यूटेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसे आप कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई ना करें, किसी और चीज के अंदर मिक्स करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम टूथपेस्ट के बारे में। कई ब्यूटी ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि जब भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे टूथपेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। ये देख के आप कभी भी इसे ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट जो है मेलानिन के उत्पादन को बढ़ा देता है। इससे आपके फेस पे काले धब्बे और स्किन एलर्जी भी आपको हो सकती है। थर्ड आता है बेकिंग सोडा। अधिकांश आपने देखा होगा कि ब्लैकनेस को कम करने के लिए हम अपने बॉडी पे इसका यूज करते हैं, लेकिन कभी भी इसका यूज डायरेक्टली आप अपने फेस पे ना करें। यह आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, इससे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसका यूज अधिकांश हम खाने में करते हैं। खाने में जो भी चीजें टाइट होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए, राजमा और छोले को हम गलाने के लिए इसका यूज करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपकी स्मूथ और सॉफ्ट स्किन का क्या हाल होगा। इसलिए आप कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पे इसे अप्लाई ना करें। और बात करते हैं हम गर्म पानी के बारे में। गर्म पानी से कभी भी अपने फेस को वॉश ना करें, ये हमारे स्किन के नमी को छीन लेती है और स्किन को ड्राई बना देती है। इससे रिंकल्स की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इससे बेटर है हमेशा जो है नॉर्मल पानी का ही यूज करें। यह आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। या फिर आप वीक में 2 बार स्टीम भी अपने फेस पे ले सकती हैं, या गुनगुने पानी में टॉवल को डीप करके अपने फेस पे यूज कर सकती हैं। अब बात करते हैं लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जो कि अधिकांश लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं। कभी भी आप नहाने वाले साबुन का अपने फेस पे यूज ना करें, क्योंकि ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर यानी कि नमी को छीन लेता है। इससे हमारी स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है। स्किन के पीएच को भी ये डिसबैलेंस कर देता है। स्किन पे एलर्जी और इचिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए आप हमेशा फेस वॉश का ही यूज करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।